कॉमनवेल्थ गेम्स का दूसरा दिन तो भारत को मिला पहला मेडल। तो वेट लिफ्टर संकेत ने 248 केजी उठाकर दिलाया सिल्वर। तो फिलहाल आपको बता दें कि आज जो है भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में 5 मेडल जीत सकती है। तो किस प्रकार से होगा पूरा मुकाबला आपको बताते हैं आगे। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के मेडल का खाता खुल गया है। तो वेट लिफ्टर संकेत महादेव ने शनिवार को मेंस 55 केजी वेट कैटेगरी में देश को पहला सिल्वर मेडल दिलाया है। तो मलेशिया के मोहम्मद अनिद ने गोल्ड मेडल जीता। तो संकेत ने स्नैच के पहले ही प्रयास में 107 किग्रा का वजन उठाया। उन्होंने दूसरे प्रयास में 111 किग्रा और तीसरे प्रयास में 113 किग्रा का वजन उठाया। तो क्लीन एंड जर्क के पहले प्रयास में संकेत ने 135 केजी का जो है वजन उठाया है, लेकिन उनका दूसरा और तीसरा प्रयास विफल रहा। वे 248 केजी के साथ दूसरे स्थान पर रहे। तो मलेशियाई वेट लिफ्टर ने कुल 249 केजी वेट उठाया और सिर्फ 1 केजी के अंतर से संकेत से आगे निकल गए। तो महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले संकेत महादेव सरगर ने पिछले साल दिसंबर में हुई कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियनशिप में नेशनल रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने स्नैच में 113 किग्रा जो है वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता था। इसी गोल्ड से उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए क्वालिफाई किया था। तो 21 वर्षीय संकेत महादेव सरगर ने जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 के चैंपियन थे। तो भारत 1990, 2002 और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश रहा है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में वेट लिफ्टिंग में भारत 126 मेडल के साथ दूसरा सबसे सफल देश है। इन खेलों की वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में उससे अधिक पदक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया 159 ने जो है जीते हैं। तो 2018 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के वेट लिफ्टरों का दबदबा रहा है, जिन्होंने 5 गोल्ड मेडल सहित 9 मेडल जीते। तो अब बात कर लेते हैं कि भारत जो है 5 मेडल कैसे जीतेगी। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारत का टोटल 11 मुकाबला है, जिसमें से कई खेलों में भारत फाइनल में भी पहुंच चुका है। तो अब बस इंतजार है कि फाइनल मुकाबला कब खत्म हो और मेडल भारत के झोली में आए। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।